थोड़ी सी मेहनत और साल भर आराम। साल भर आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं इस गर्मी की वजह से। पता है कैसे? वेरी सिंपल, बस मसाले खुद बना के रख लीजिए घर पे, तरह तरह के अचार बना के रख लीजिए। खाना कितना भी सिंपल हो पर घर के बनाए मसाले और अचार से खाने का स्वाद तो बढ़ ही जाता है। मैं अपने घर में जिन भी मसालों का यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि खुद ही बना लूँ, पर जो चीज़ नहीं बन पाते हैं उनको अच्छे से सुखा के फिर जाके मील में पिसवाती हूँ। और अभी बन रहा है मेरे घर में लाल मिर्ची का भरवा अचार। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सब चीज़ों को मैंने पहले हल्का भून लिया है, मतलब पहले अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर थोड़ा गर्म कर लिया ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। ये मैं दरदरा पीस रही हूँ सौंफ। मैंने तो दरदरा पीसा है पर इसे साबुत भी डाला जा सकता है। फिर थोड़ा सा दरदरा पीस रही हूँ जीरा, अजवाइन, इन सबको हल्का दरदरा कर रही हूँ। सभी मसाले को मैंने दरदरा पीसा है पर अपनी अपनी पसंद है, कोई कुछ कुछ चीज़ों को साबुत भी डालता है। अब पीले सरसों के बारीक पाउडर बना लूँगी। अब मिर्ची के अंदर से जो दाने निकले हैं उन्हें भी फेंकना नहीं है, उन्हें भी मसाले के साथ मिक्स करके उसे अचार में भर लेना है। सभी मसाले को मिक्स करके ये सरसों की तेल उसमें डालूँगी ताकि मसाले इधर उधर उड़े नहीं और अच्छी तरह से मिर्ची के अंदर फिलअप हो जाए। मिर्ची जितनी लाल लाल रहेगी उतनी ही अच्छी दिखेगी। और हींग और मंगरेला को मैंने यूं ही रखा है, इन सब पीसे मसाले के साथ उसको मैं यूं ही मिक्स कर दूंगी। मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका हो, नहीं तो इसके अंदर भाप रहेगा और उससे मॉइस्चर होगा, इससे मसाला लंबा नहीं टिक पाएगा। तो जब मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी उसको मिक्स करना है। अब तेल में मैं थोड़ा सा डाल दी हींग और इसके साथ मिलाना है अमचूर। बस इतना ध्यान रखना है कि मेथी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो, नहीं तो और सब मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और नमक की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्रिजर्व रखने के लिए नमक ही काम आता है। और सबसे लास्ट में डाला हल्दी और तेल को थोड़ा ठंडा करके फिर अच्छे से ठूंस ठूंस के उस मिर्ची में मसाले को मैंने भर दिया। एक दिन के लिए यूं ही खाली धूप में सुखाया और जब तक मिर्ची की अचार सूख रही है, उसे धूप लग रही है, तब तक चलिए अपने जीरे के काम को निपटा लेते हैं, क्योंकि जीरे को भी मैं धो के ही रखती हूँ। अच्छी तरह से धो के और 2-3 दिन तक लगातार धूप में सुखा के कड़क कर लेती हूँ, फिर ठंडा करके इसे एयरटाइट डब्बे में करके रख देती हूँ। यकीन मानिए ये साल तो क्या 1.5-2 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब धीरे धीरे सारे अचार को मैंने तेल में डुबोया और एक एक करके कांच की बर्नी में मैं रखती गई। यूं तो ये खाने के लिए तैयार हो गई पर 2-3 दिन इससे यदि और धूप लगेगा तो ये थोड़ा अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा और इसका खट्टापन भी बढ़ जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप यदि अचार के शौकीन हैं तो आप इस तरह के अचार को ज़रूर बनाइए, ये लंबे समय तक सही रहता है। इतने सारे चीज़ बन गए, चलिए अब बनाते हैं अपने लिए ठंडा ठंडा लस्सी। ऐसे बनाना भी बहुत आसान है। काजू, बादाम, केसर सबको दूध में मैंने भिगो के छोड़ दिया है। जब तक काजू और बादाम मेरा फूलेगा तब तक चलिए आपके साथ कुछ और शेयर कर लेती हूँ। अमेज़ॉन से मंगाया है मैंने बैंगल ऑर्गेनाइज़र। यूँ तो मैं अपनी सारी चूड़ियों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ पर ये हैंगर में इस तरह से टंगे हुए रहेंगे तो ये स्पेस सेविंग भी है और आँख से दिखाई देने से जब मन हो तब आप पहन सकते हैं। बैंगल्स को टांगने के लिए जो स्टिक दिया गया है वो भी काफ़ी मजबूत है और मूवेबल है। मैं चेक कर रही थी कहीं भारी हो जाने के बाद तो ऐसा नहीं इसका मूवमेंट कम हो जाएगा, ये नीचे की ओर झुक जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मजबूत है, सुंदर है और इससे स्पेस सेव भी बहुत होता है। चलिए तब तक मेरा फूल गया काजू और बादाम, इन सबको मैंने थोड़ा बारीक पेस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले मैंने पेस्ट को ग्लास में डाल लिया, फिर उसके ऊपर डाली दही जो ठंडी थी और पानी नहीं था इसमें, फिर उसके ऊपर डाल दी पाउडर शुगर को, या मीठा तो अपने अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, और मिलाई बिल्कुल चिल्ड पानी। सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से फेंट लिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा था, लस्सी का रंग बिल्कुल येलोइश हो रहा था।
पतला करने के लिए थोड़ा सा और मिलाई पानी, ऊपर से डाल दी बारीक कटा हुआ बादाम और केसर की कलियों को। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये लस्सी, आप एक बार जरूर ट्राई करें। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।